तो दोस्तों फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं बैढ़न के बस स्टैंड में हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ का बैढ़न का बस स्टैंड कैसे है। तो दोस्तों मैं पहले वीडियो में दिखाया था, लेकिन दोस्तों जो है कुछ और लोग भी कमेंट कर रहे थे कि और चाहिए दिखाइए भैया, कुछ इस प्रकार से कमेंट कर रहे थे। मैं आप लोग को आज पूरा दिखाऊंगा बैढ़न का बस स्टैंड। तो अभी यहाँ पे दोस्तों खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ बस है अभी। और दोस्तों अभी फिलहाल इस साइड भी, इधर से भी बस आता है, उस साइड से भी बस आता है, उस साइड से भी। तो अभी मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बस नहीं आया। अभी जो अंबिकापुर से आता है बस, एक विजय बस है लगभग, और रात को ही 8-9 बजे पहुँचता है। तो अभी फिर अभी एक बस जाने वाला है, छावड़ा बस जाने वाला है अंबिकापुर के लिए। तो वो बस को भी आपको दिखाऊंगा कि वो जो कितना बजे जाता है यहाँ से, कितना बजे निकलता है। 9 बजे निकलता है यहाँ से, लेकिन वही जब अंबिकापुर जो है 2:30 से 3 बजे लगभग छोड़ देता है आपको, एक जो कि है छावड़ा बस। अभी स्लीपर चल रहा है, तो अभी आप लोग को उसको भी दिखाऊंगा मैं। और इधर का कुछ यहाँ देख सकते हैं अभी, तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा यहाँ पे। दोस्तों सफर का शुरुआत करते हैं बैढ़न के लिए। तो ये बैढ़न अभी मैं पहुँचने वाला हूँ बैढ़न। और यहाँ पे दोस्तों जो है फिलहाल अभी देख सकते हैं इस एरिया का, यहाँ पे जो बैढ़न जाते हैं इस साइड में, और यहाँ चौराहे टाइप से। तो उसके बाद दोस्तों मैं चले जाता हूँ आगे, कुछ यहाँ मंदिर मस्जिद है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बस यहाँ खड़ा रहता है इस साइड में, बस का ये रुकने वाला है बस का इस साइड में। और ज़्यादा बड़ा कुछ बस स्टैंड है नहीं है, और इस साइड में यहाँ पे कुछ ऐसा है इधर से। अभी बस पूरा खाली है, अभी बहुत ज़्यादा अभी बस नहीं है, तभी पूरा भर गया था उस साइड में, पूरा भरा हुआ था पूरा, लेकिन अभी जो है पूरा खाली हो चुका है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ का बस स्टैंड आप लोग देख सकते हैं। इधर आपको इधर रैन बसेरा मिलेगा इस साइड में, जो कि मतलब ऐसे ही आपको आते हैं तो रुकने वुकने के लिए। और उस साइड में आपको बाथरूम मिलेगा उस साइड में, अगर आपको जाते हैं जब भी आते हैं। तो आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ मैं दिखाता हूँ आप लोग, वीडियो बने रहेगा और पूरा दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा ये देख सकते हैं साइड है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है बस के लिए, रुकने के लिए बस साइड बना दिया गया है। और यहाँ गंदगी तो खैर बहुत ही ज़्यादा है बस स्टैंड में, बात करें तो यहाँ पे अंबिकापुर के अलावा जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है दोस्तों यहाँ पे। तो अंबिकापुर में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इससे गंदगी बस स्टैंड में, लेकिन यहाँ बैढ़न का बस स्टैंड जो है बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा यहाँ रहता है। यहाँ के नगर पालिका लगभग सफाई नहीं करता है ऐसा लगता है मुझे, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, नहीं तो फिर इतना गंदगी नहीं होता। रोज़ जब भी आते हैं तब भी देखते हैं बहुत ही गंदगी यहाँ देखने को मिलता है अंबिकापुर। इससे दोस्तों जो है बहुत ही अच्छा है इससे साफ़ सफाई के मामले में। दोस्तों ये बस स्टैंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का मौजूद। और दोस्तों आप लोग को अगर टिकट उकट काउंटर कराना पड़ता है तो इस साइड जाना पड़ता है, इस साइड है टिकट इस साइड में। और अभी से मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, तभी बहुत देरी हो गया अभी विजय बस के लिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। और एक बस ये देख सकते हैं छावड़ा, जो कि ये बस जाने वाला है अंबिकापुर, अभी 9 बजे यहाँ से निकलेगा, 9 बजे निकलता है यहाँ से, और वहाँ वही 2-3 बजे लगभग पहुँचाता है वहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर है इस साइड में, उसी का जो है आवाज़ आ रहा है अभी। तो फिलहाल यहाँ इधर से भी जो है घुसते हैं बस वाले, और कुछ उस साइड से भी आते हैं, दोनों साइड से आते हैं, दोनों साइड से रास्ता है। तो यहाँ पे एक छावड़ा बस है यहाँ पे, जो कि अभी नाइट में अंबिकापुर जाने वाला है ये बस, जो स्लीपर बस है। तो ये 9 बजे निकलता है, और अंबिकापुर जो है 2:30 से 3 बजे के बीच में पहुँचा देता है, और बीच में भी कोई खाना वाना खाने के लिए भी रोकता है, तो अभी आप खाना वाना खा सकते हैं। रात नहीं आया है साहब, पूछता 9 बजे तक आता है, उसके बाद पूछो कि क्या है, क्या नहीं देखा गाइस। इधर जो है बस इधर बनारस लगा है, और इस साइड भी बस लगा है उधर यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं घूमने यहाँ पे निकल जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा बस स्टैंड का व्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ साइड जो बना हुआ है बस खड़ा करने के लिए, और बस जो खड़ा किया जाता है बस को, उसके बाद जो है मैं इधर चले जाता हूँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये सरकारी बस है, जितना भी दिख रहा है यूपी वाला बस सरकारी बस है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ इस प्रकार ठेला वाला है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये सब सरकारी बस है दिख रहा है सब बसें, और बहुत सारे बस इस प्रकार से सरकारी बस यहाँ चलती है यूपी के लिए। और दोस्तों जो है यहाँ पे बहुत सारे
जो है यहाँ पे बस खड़ा रहता है, लेकिन आज थोड़ा बहुत कम ही लग रहा है क्योंकि अभी फिलहाल और ही दोस्तों ये शौचालय है, अगर आप कभी आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप बस स्टैंड में आते हैं तो यहाँ पे जो शौचालय है यहाँ पे आ सकते हैं इधर अपना। और दोस्तों जो है इस साइड में जाता हूँ, इस साइड जाता हूँ तो इधर दिखाता हूँ कि अभी जो किस टाइप से है, इधर रैन बसेरा टाइप से है, उधर जाऊँगा तभी मैं फिलहाल तो यहाँ पर एक चक्कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। और मैं जाता हूँ इस साइड में, और इधर दोस्तों आप खाना वाना भी खा सकते हैं, यहाँ पे होटल है तिवारी होटल यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा था। और मैं इधर जाता हूँ जहाँ इधर रैन बसेरा टाइप का है इधर, तो इधर जो है आपको रुकने उकने के लिए व्यवस्था है, मतलब ऐसे ही आप दिन में बैठ सकते हैं कुछ। और जैसे साइड बना हुआ था उस साइड में भी है, लेकिन उस साइड थोड़ा बनता नहीं है, और इधर थोड़ा सा आराम से बैठने के लिए। और यहाँ पे आपको कुछ दुकान वकान भी मिल जाता है छोटा मोटा कुछ खरीदने के लिए। और इधर रैन बसेरा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कैसा है। तो और मैं इस साइड से इसमें जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी घुसूंगा नहीं अंदर क्योंकि मुझे जाना नहीं है अभी उस साइड में, इधर से उस साइड रोड साइड भी जा सकते हैं ना इस साइड के। और इधर से जो सुबह यहाँ पर बस लगा हुआ है तो फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस साइड में। और थोड़ा सा अभी मुझे जाना है सब्ज़ी मार्केट साइड भी, थोड़ा सा आप लोग को मैं दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं तो यहाँ से दोस्तों जो है इधर सब्ज़ी मार्केट साइड अभी फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ इस गली पर निकल के। उसके बाद दिखाता हूँ सब्ज़ी मार्केट जो कि बैठने का कैसे लगता है। यहाँ पे रोड में पूरा लगे रहता है सब्ज़ी मार्केट, और डेली मार्केट लगता है यहाँ पे। आप जब भी आते हैं सब्ज़ी उब्जी लेने के लिए तो आप लोग ले सकते हैं क्योंकि जो है यहाँ डेली का डेली मार्केट लगता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ इस साइड में, और इधर देख सकते हैं इस साइड में पूरा जो है इधर अभी यहाँ पूरा सब्ज़ी मार्केट है। इधर का एरिया जितना भी आप देख सकते हैं इधर पूरा टोटल सब्ज़ी मार्केट एरिया है, जो कि आप जो भी लेना चाहेंगे आपको डेली मार्केट टाइप से मिलेगा इसी टाइप से। तो आप कभी भी आइए आपको मार्केट तो मिल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है मैं चलता हूँ आगे साइड बस स्टैंड से, तो मैं निकल के इस साइड में आ गया हूँ, लेकिन इधर घूमना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा बस भी नहीं आया है, तो इसी की वजह से मैं घूम रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये यहाँ का जो कैसा है। तो फिलहाल मेरा बस जो है 8:30 से 9 बजे तक मतलब बोले, तो इसी की वजह से मेरे को भी जल्दी आ गया था, तो तभी तो मैं घूम रहा हूँ यहाँ। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सब्जी उब्जी का मार्केट ज़बरदस्त तरीके से है इधर तो। और आप लोगों को और दिखाऊँगा मैं, इसे अभी जाऊँगा मैं कुछ यहाँ पर कुछ सामने साइड। तो दोस्तों आप लोग भी आइएगा तो आप लोग भी घूम सकते हैं बैठन का यहाँ मार्केट, डेली मार्केट लगता है, संडे मार्केट बोले या फिर डेली मार्केट टाइप से भी लगता है यहाँ पे। और मैं तो थोड़ा सा भी जाऊँगा इधर कुछ एरिया में, तो अभी इधर इस साइड का एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे मोमोज वोमोज साइड में मिलता है, तो मुझे मोमोज भी खाना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मोमोज बन रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है मोमोज खाने लूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं बहुत दिन से मोमोज भी खा रहा था, मैंने मन किया तो यहाँ पर बन रहा है फ्राई वाला, तो फिलहाल मैं कर लिया। और दोस्तों फिर से आ गया मैं यहाँ पे बस स्टैंड, और अपने साइड यहाँ पे आ चुका हूँ अभी। तो ये देख लीजिए बस स्टैंड का व्यू, जो कि यहाँ पे अभी बस फिलहाल खाली है ज़्यादातर यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहता है मेरे को लगता है यहाँ अंबिकापुर का मामले में। तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि अंबिकापुर बस जाने के लिए जो है आपको बहुत सारा बस मिल जाता है, सुबह 6 बजे विजय बस मिलता है, उसके बाद दोस्तों जो है आपको 1 बजे ही मिलेगा दुर्गा लगभग, और आपको 9:30 बजे भी मिलेगा दिन में, और नाइट तक पूरा मिलता है, 9:00 बजे तक नाइट आपको मिलेगा अंबिकापुर जाने के लिए, और अंबिकापुर से आने के लिए ही मिलेगा यही बस सब, जो भी जाता है सब रिटर्न आता है। तो यहाँ पर उसका कुछ ये देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नया नया कंटेंट लेकर आते रहता हूं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आगे भी मैं लेकर आप लोग के लिए इसी प्रकार से कंटेंट आऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।